Hey guys, I'm Simon, this is Shiva and welcome to my another video. तो आज की वीडियो में आपके लिए नई जॉब अपडेट लेकर आया हूँ बायजूस में। तो ये एक सेल्स फील्ड की जॉब है, ठीक है, सेल्स पोजीशन के लिए। तो इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, अगर आप सेल्स फील्ड में वर्क करना चाह रहे हैं, आप सेल्स में अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी अच्छी आप जो भी अर्निंग है, जो भी अपना करियर है, वो आप बना सकते हैं। So, without any further ado, let's get started. So guys, जो जॉब ओपनिंग है वो है बायजूस में। तो बायजूस, अगर आपको नहीं पता, तो बायजूस एक एडटेक कंपनी है। यहाँ पे जो भी एक लर्निंग ऐप है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी स्कूलिंग वगैरह के जो भी क्लासेस होती हैं, वो आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी, अगर आप IIT JEE जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पोस्ट है वो है BDA की। तो BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, इसका फुल फॉर्म है BDA का, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको करना क्या होगा, आपको इंडिविजुअली आपको जो भी सेल्स है वो जनरेट करनी होगी। कंपनी आपको लीड प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उन लीड पे आपको कॉन्टेक्ट करना है और उनको कन्वर्ट करना है कस्टमर्स में, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, तो एज अ BDA यू विल एक्सपेक्ट टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर, सेटअप मीटिंग, काउंसिल द स्टूडेंट, बायजूस यूनिक वे ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली आपको जो भी लीड्स मिलेंगे उनसे कॉन्टेक्ट करना है और उनको पोटेंशियल कस्टमर में जो है कन्वर्ट करना है। देन आपको उनकी मीटिंग सेटअप करनी होगी। मीटिंग के बाद आपको जो भी स्टूडेंट्स कौन से कोर्स उनके लिए बेटर रहेगा वो सजेस्ट करना होगा। देन उस प्रोडक्ट को, उस कोर्स को उन्हें सेल करना होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली काम क्या होगा, सेलिंग का काम है, आपको सेल्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली यू विल बी हायर्ड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो फर्स्ट जो 2 मंथ रहेंगे वो आपके ट्रेनिंग के रहेंगे। तो बेसिकली होता क्या, इसमें 15 डेज की ट्रेनिंग रहेगी। तो आपको जो भी कंपनी के बारे में, जो भी कोर्स है, पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट आपको पूरा समझाएगा क्या कोर्स है, कंपनी क्या है, किस टाइप से वर्क करती है। तो जो भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा प्रोसेस, क्या आपको करना है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स है, क्या जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, वो आपको पूरे यहाँ पे सिखाए जाएंगे। 2 महीने ट्रेनिंग के रहेंगे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग जो एक्चुअल रहेगी वो आपकी 15 डेज की ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद तो ट्रेनिंग में आपका 2 मंथ का जो सैलरी पैकेज रहेगा वो रहेगा आपका 5 लाख पर एनम, ठीक है। 3 लाख आपके फिक्स रहेंगे और 2 लाख आपके वेरिएबल रहेंगे। तो 15 डेज के बाद आपको टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उन टारगेट को आप अचीव करते हैं, ठीक है, तभी आपका जो भी 2 महीने के बाद आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स में। अगर आप टारगेट अचीव करते हैं, अगर आप सेल्स फील्ड में हैं, सेल्स फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है कितना प्रेशर होता है सेल्स करने का, तभी आप अप्लाई करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। उसके बाद जब आप बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बन जाएंगे, आपके 2 महीने के बाद आपके जो भी टारगेट है उन्हें अचीव करने के बाद आप कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका सैलरी पैकेज जो रहेगा वो रहेगा 10 लाख पर एनम। 5 लाख आपके फिक्स रहेंगे, 3 लाख आपके जो वेरिएबल्स रहेंगे, तो जो भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे। अगर आप टारगेट अचीव करते हैं, अच्छी सेल्स जनरेट करते हैं, तो उसका आपको इंसेंटिव वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 लाख में वही इंसेंटिव यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 लाख आपके DS अलायंस रहेंगे, जो भी आपका एक्सपेंस होता है, जैसे अगर आप किसी को प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने उसके घर जा रहे हैं, तो उसमें जो भी एक्सपेंस रहेगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको जो भी आपका लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होता है उसका आप चार्ज देना होगा, ठीक है। तो जो भी आप, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, तो उसका आपको जो भी अलायंस मिलेगा, तो 2 लाख जो रहेंगे वो आपके अलायंस रहेंगे, ठीक है। तो आपका 10 लाख पर एनम इस हिसाब से होगा, ठीक है। तो बाकी 7 लाख तो आपके फिक्स रहेंगे, वो आपको मिलने ही मिलने हैं। बाकी 3 लाख जो रहेंगे वो आपके इंसेंटिव पे डिपेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा आप सेल जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर पाएंगे। तो ये लोकेशन जो रहेगी डायरेक्ट चल के वो पैन इंडिया है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं आप इंडिया में। आप जरूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से भी आप हों, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड सेल्स मोस्टली फॉर फीमेल्स, मेल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो अगर आप बेंगलोर से हैं, तो बेंगलोर में आप इनसाइड सेल्स जो रहेगी, आप ऑफिस में जाके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बायजूस का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, तो वहाँ से आप जाके वर्क कर सकते हैं अगर आप बेंगलोर में हैं। अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे, और जो पेन इंडिया है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका 8 लाख रहेगा आपका सैलरी पैकेज पर एनम, 5 लाख आपके फिक्स रहेंगे और 3 लाख जो रहेंगे आपके वेरिएबल्स रहेंगे। लोकेशन फॉर इनसाइड सेल बेंगलोर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
वेनसडे टू संडे आपका वर्क रहेगा, सैटरडे संडे आपको वर्क करना होगा, मंडे और ट्यूसडे आपका जो रहेगा वीकली ऑफ रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपके आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो या इंजीनियरिंग किया हो, तो जो भी आपने किया हो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। तो एज रहेगी आपकी 33 जो रहेगी उससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो विलिंगनेस टू बिल्ड करियर इन सेल्स डोमेन, तो अगर आप सेल्स में अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगी वो रहेंगी आपकी हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपका सेल्स में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको पता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग कन्विक्शन। तो आपके पास जो कन्विंसिंग स्किल होना चाहिए वो आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी किसी को भी कन्विंस कर सकें प्रोडक्ट को, पर जो भी है बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए, ठीक है। हाई एनर्जी एंथुजियाज्म पीयर्स एक्सपीरियंस सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट इज एड ऑन। तो अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है तो वो आपको एड ऑन करेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा सेल्स में, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा, फुल टाइम रहेगा वो, ठीक है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से रहेगा, फर्स्ट 2 मंथ का आपको कितना मिलेगा, उसके बाद अगर कन्वर्ट होते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो जो सेल्स में इंटरेस्टेड है, जो टारगेट अचीव कर सकते हैं वही अप्लाई करें, मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हैं, आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, गुड कन्विंसिंग स्किल नहीं है, तो डेफिनेटली उस जॉब को आप क्विट कर दें, दूसरा कोई जॉब अवेलेबल है मार्केट में, काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्सन होता है कस्टमर सपोर्ट में काफ़ी अच्छा होता है, कोई सेल्स में अच्छा होता है, कोई टेक्निकल जो फील्ड होती है उसमें अच्छा होता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं सेल्स में, ठीक है, जो सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे तो 10 लाख मतलब कम नहीं होता है, तो इसके लिए आपको टारगेट अचीव करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट आपको पूरा नाम देना होगा, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर सेलेक्ट करो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास आउट हुए हैं आप, आपकी एज कितनी है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, आपके पास लैपटॉप है या नहीं। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम अगर करते हैं आप, तो आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है, आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे हैव यू एवर गिवन एनी वीडियो इंटरव्यू बिफोर इन बायजूस, अगर आपने कभी बायजूस में अप्लाई किया है या आपने इंटरव्यू फेस किया है वीडियो, तो उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किया है तो उसके में आप बता सकते हैं कितने दिनों पहले आपने ये अप्लाई किया था और सेल्स में आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक आंसर देना होगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर इन सेल्स एंड सेल्स इज अ मोस्ट ग्रोइंग करियर फील्ड, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू वर्क इन सेल्स। तो सिंपली ये आपको फिलअप करना होगा और सबमिट कर देंगे तो विद इन अ डे और नेक्स्ट डे आपको जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंटरव्यू, देन आपका वीडियो, देन आपका थर्ड वीडियो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी फील्ड है, ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, एडटेक कंपनी, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो अगर आप इसमें वर्क करना चाहें तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स फील्ड है आप पहले सोच लेना, सेल्स फील्ड है तो टारगेट आपको मिलेंगे, प्रेशर आपको मिलेगा, अगर आप फेस करने में कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो, आई होप यू गेट वैल्यू फ्रॉम दिस। अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।